गठबंधन में शामिल होने की खबरों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना के अंदर भी अपनी तैयारियां लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। आरएस प्रवीण कुमार यहां के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के, उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। और बताया यह भी जा रहा है कि लोकसभा की 17 सीटें हैं जो तेलंगाना की, उन 17 सीटों पर सभी पर अपने प्रत्याशी या प्रभारी घोषित कर दिए। बीएसपी की तरफ से प्रभारी जिनको घोषित किया जाता है, प्रभारी जिनको लगाया जाता है, वही प्रत्याशी होते हैं। अगर इस लिहाजा से देखें तो लोकसभा में सभी सीटों पर प्रभारी एक साथ तेलंगाना के अंदर घोषित कर दिए। आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार पार्टी ने यह जानकारी दी है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी एकदम तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर के 17 संसदीय सीटों पर नए प्रभारी घोषित कर दिए या नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आदिलाबाद की सीट से सिद्धम गणपति को टिकट दिया गया है, पेद्दापल्ली की सीट से कड़सी रविंदर को सीट टिकट देकर मैदान में उतारा है, करीमनगर की सीट से उसारी दशा को मैदान में उतारा है, नजराबाद की सीट से गेनी गंगाधर को, मेडक की सीट से लिंगम पल्ली यादगिरी को, जहीराबाद की सीट से जंगम गोपी को, मलिका जी गिरी सीट से गुदेला धर्मेंद्र को, सिकंदराबाद सीट से पटीलाबाज बाल राज को, हैदराबाद की सीट से चतला चिरंजीवी को, चेवल्ला की सीट से बरकार कृष्णा यादव को, महबूब नगर की सीट से बस्सी रेड्डी संतोष रेड्डी को, नगर की कुरनूल की जो सीट है वहां से एमसी केशव राय को, और नल्ला गोड़ा की सीट से बेड़की मल्लेश यादव को, भुवनगिरी की सीट से पढ़िया राजा का, वारगल की सीट से मंडा श्याम और महबूदा नगर की सीट से डॉक्टर वेंकट चौहान, खम्मामा की सीट से एम पुल्लैया को जिम्मेदारी देकर लोकसभा का है वो प्रभारी बनाया गया है। आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद उन्होंने इस बात की स्पष्ट जानकारी दी कि इन सीटों के ऊपर ये नेता बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तेलंगाना की सभी सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारे।